भारत की शान। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। धरती को हम माँ कहते हैं, लेकिन अब ये धरती माँ बीमार हो चुकी है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना, जिसने धरती को बीमार कर दिया है, मिट्टी की गुणवत्ता को काफी नीचे ला दिया है। इसीलिए अब विश्व भर में ये कोशिश की जा रही है कि धरती के स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए, और इसी में से एक कोशिश है केचुआ खाद, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये केचुआ खाद केचुओं द्वारा तैयार की जाती है, जिन्हें हम किसानों का दोस्त भी कहते हैं। तो कैसे तैयार की जाती है केचुआ खाद, क्या इसके लाभ है, कैसे हमारे किसान इसे खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के कृषि विशेष में। एक जमाना था जब देश अनाज संकट से जूझ रहा था और हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से गेहूं मंगाना पड़ता था। उपज बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई और हरित क्रांति रासायनिक खाद भी लेकर आई। शुरुआत में इन उर्वरकों का संतुलित मात्रा में इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे ज्यादा पैदावार के चक्कर में इनका इस्तेमाल बढ़ता गया। अब हालत ये हो गई है कि हमारी धरती रासायनिक उर्वरकों की आदि हो गई है और उसकी उपजाऊ शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। यही वजह है खेती को फिर से टिकाऊ बनाने की कोशिशें हो रही है। टिकाऊ कृषि के लिए रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खादों को प्राथमिकता देना जरूरी है। जैविक खाद वैसे तो कई तरह के होते हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद है। इसकी अहमियत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर स्वीकारा गया है। कई विकसित और विकासशील देशों में वर्मी कंपोस्ट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। केचुआ खाद मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करती है और एक तरह की जैविक खाद है। कैसे हमारे किसान इसे थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ अन्य किसानों को बेच भी सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारी मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधार कर उसे प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा पैदावार ले सकेंगे। केंचुए किसानों के मित्र हैं। मानव जाति के लिए इनके महत्व का पता जाने माने जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1881 में लगाया। उनके बाद हुए अध्ययनों में और भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए और ये साबित हो गया कि केचुए की उपयोगिता डार्विन की कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि केचुए खेत में पड़े पौधों के अवशेष और दूसरे कार्बनिक पदार्थों को खाकर छोटी छोटी गोलियों में बदल देते हैं, जो पौधों के लिए देसी खाद का काम करती है। दूसरी ओर भारतीय कृषि में गोबर का महत्व सदियों से रहा है। इससे बनी खाद ज्यादा पैदावार में मदद करती रही है। केचुआ खाद इन्हीं दोनों विचारों का मेल है। दरअसल केचुओं की कुछ प्रजातियां भोजन के रूप में अपघटनशील और बेकार कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करती हैं। ये प्रजातियां अपने भोजन का सिर्फ 5-10% हिस्सा ही अवशोषित करती हैं, बाकी हिस्सा मल के रूप में बाहर निकाल देती हैं। केंचुआ खाद क्या है? देखिए, केंचुआ खाद है कि केंचुओं को जो एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं, जैसे आइसिनिया फोइटिडा, इडुलस यूजिनी, ये
जो केंचुए के जो नस्लें हैं इनको आपको लेके आना होता है। ये स्पीसीज जो हैं आपको लोकल कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके नज़दीक हो वहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं, या आपका जैसे हमारे दिल्ली में IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या और भी कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है नज़दीक में। पूरे देश में हर एक जगह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी रिलायबल जो है आपको ये केंचुए जो हैं मिल सकते हैं। तो ये जो केंचुए हैं ये इनका कार्य है कि इनको जब पत्ते हम जो सूखे या हरे जो घास के पत्ते हम उनको खिलाते हैं तो ये उसका जो है उसको पूरा बायो रेमेडिएशन करके कंपोस्टिंग करके और उसको खाते भी हैं, और उसका जब वो एक्सक्रीट करके उसको निकालते हैं तो वो जो निकलता है मल उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। कमाल की बात तो ये है कि नर और मादा दोनों एक ही केंचुए के अंदर होता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि अकेला केंचुआ संतान भी पैदा कर सकता है। इसके लिए आपको दूसरे जंतुओं की तरह ही दो केंचुओं की जरूरत होगी। इनके जो प्रजनन के इश्यू पे बात करें तो ये द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, तो नर और मादा एक ही केंचुए के अंदर होता है, लेकिन इनको जनन के लिए दो केंचुओं की हेल्प लिया जाती है और उसके बाद ये कोकून डेवलप करते हैं। एक कोकून में 2 से 3 केंचुए के बच्चे निकलते हैं, और एक केंचुआ जो अपने पूरे जनन काल अपने जीवन काल के अंदर लगभग 1000 केंचुए तक पैदा होते हैं और 300 से 400 कोकून बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में गोबर के खाद की तुलना में 5 गुना नाइट्रोजन, 8 गुना फॉस्फोरस, 11 गुना पोटाश और 3 गुना मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन और एल्यूमिनियम भी होता है। आइए अब जानते हैं कैसे बनती है वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद। भूमि की सतह पर मौजूद फसल अवशेषों को केचुए भूमि के अंदर ले जाते हैं, जहां सुरंग के अंदर इन फसल अवशेषों को खाकर वो खाद में तब्दील कर देते हैं और रात के वक्त भूमि की सतह पर आकर मल त्याग करते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर वायु संचार बढ़ता है, साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। तो आइए जानते हैं कैसे बनाए केचुआ खाद। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, कुछ दिन पुराना गोबर, हरे पत्ते, फसल अवशेष, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा और केंचुए। केंचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद होती है। गाय का गोबर फ्रेश नहीं होना चाहिए, और गाय का भी गोबर नहीं है तो और भी जैसे भैंस का है और का भी गोबर ले सकते हैं, परंतु प्राथमिकता जो है वो गाय के गोबर के लिए। देसी गाय का गोबर हो तो बहुत ही अच्छा है। अब ये गोबर 10 से 12 दिन पुराना हो सकता है, और एकदम फ्रेश जो गरम गरम गोबर है वो यूज़ नहीं करना है। तो अब इस गोबर की जो आपकी लेयर है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तक हो तो अच्छा है, और जब आपने ये गोबर को उस वर्मी हीप के ऊपर जो है इसको बिछा दिया है गोबर को, इसके बाद आप जो आपका 1 से 2 किलो वर्मी कल्चर है वो आपने लिया है तो उसको आपके उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। खाद बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करना होगा। ये ढांचा सीमेंट से भी बनाया जा सकता है और झोपड़ी नुमा भी, यानी वर्मी कंपोस्ट के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ये संरचना एक ओर से बंद हो तो और भी बेहतर है। इस जगह में बनानी होगी इस तरह की हौज नुमा स्ट्रक्चर, इसे बेड या क्यारी भी कहा जाता है। जमीन से उठा हुआ इसलिए बनाया गया है ताकि बरसात के पानी को इसमें जाने से रोका जा सके। क्यारी आमतौर पर 10 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी और 2 से 2.5 फुट गहरी होती है। यहाँ पर हम रेडीमेड बेड दिखा रहे हैं। इस तरह के बेड आपको बाजार में मिल जाएंगे। क्यारी में पहली परत घास, कचरे या इसी तरह की सामग्री की बिछाएंगे, फिर गोबर लेंगे, कचरे की परत के ऊपर गोबर की परत, फिर कचरे की परत, फिर गोबर। इस तरह पूरे वर्मी बेड को भर लेंगे। एक वर्ग मीटर में करीब 2 क्विंटल सामग्री आएगी। अब ये केंचुए छोड़ने के लिए तैयार है। हो सके तो आपके पास एक जैसे पीपल के नीचे की या गुलर के नीचे की मिट्टी है वो, या रिवर सैंड हम कहते हैं, अगर गुलर और पीपल की मिट्टी नहीं है, रिवर सैंड जहाँ पर कल्टीवेशन ना की गई हो, ऐसी मिट्टी आपको लेनी है, और उस वो भी आप 2-3 किलो यहाँ पर छिड़क सकते हैं, डाल सकते हैं केंचुओं के साथ में। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपके फार्म पे बायो रिसोर्स अवेलेबल है, जैसे हरा पत्ता है, सूखे पत्ते हैं, वीड बायो रिसोर्स है, शेड ट्री का लीटर है, ये सारी चीज़ें जितने भी सूखे पत्ते हैं या सेमी सूखे पत्ते हैं, आधे सूखा हुआ है आधा गीला है, ये हरे पत्तों का आपको हमेशा इकट्ठा करना है। कटाई करके आप जो भी आपका ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप अगर आपने की है उसके भी पत्ते ले सकते हैं आप डेलिकेट, और वीड है जब आप मैनुअल वीडिंग करते हैं जैविक खेती में तो ये वीड को आप काट लीजिए,
और इसको काट पीट करके आप केंचुओं को खिला सकते हैं। एक घन मीटर बेड में 1000 केंचुओं की जरूरत होती है। केंचुए गिनना मुश्किल है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए बता दें कि 1000 केंचुओं का वजन 1 किलो के आसपास होता है। इस तरह आपको 1 घन मीटर में 1 किलो केंचुए छोड़ने हैं। परतों को ठंडा रखने के लिए लगातार पानी देते रहना होगा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुओं की कई प्रजातियां हैं। आइसीनिया फोर्टिडा को सबसे अच्छी प्रजाति माना जाता है। इस प्रजाति के केंचुए को अंधेरा चाहिए और 40% से ज्यादा नमी। इसके बाद केंचुए गोबर को भी खाएंगे और घास फूस को भी, और इसे खाकर कंपोस्ट बना देंगे। 40 दिन बाद कंपोस्ट बनना शुरू होगा और परत दर परत पूरे बेड को खाद में तब्दील होने के लिए 90 दिन लगेंगे। फिर जैसे ये बनना शुरू होती है वर्मी कंपोस्ट, ये लगभग 90 दिन में पूरा बेड बन जाता है, तैयार हो जाता है और एक लेयर बाय लेयर बनता है। जैसे शुरू के ऊपर दो उंगल लेयर या 2 से 3 सेंटीमीटर का लेयर बनता है, फिर उसको हम जो इकट्ठा करके ऐसे इसको पंजे की हेल्प से, जो ये पंजा है हमारे पास, इसकी हेल्प से इसको अपन ऊपर ऊपर वाले पोर्शन को खरोचते हैं जो वर्मी कंपोस्ट बनके तैयार हुआ, ताकि उसे केंचुए क्या होता है कि नीचे चले जाते हैं, फिर उसको ढेरियां करके अपन बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको छान के हम इसके कट्टे पैक करते हैं, जो अभी हमारे पास मरुधरा वर्मी कंपोस्ट से ARS मंडोर जो है यहाँ पे मरुधरा वर्मी कंपोस्ट के नाम से जो कट्टे हैं उनमें पैकिंग करते हैं। और रही बात इसमें, मतलब आपको 90 दिन में ये लगभग पूरा बेड है जो एक खाली हो जाता है। केंचुआ खाद बनाने का ये तरीका छोटे स्तर पर खाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन अगर आपको बड़े स्तर पर कंपोस्ट बनाना है तो टैंक विधि अपनानी होगी। इस विधि में आपको वर्मी वॉश नाम के एक अतिरिक्त उत्पाद मिलता है। ये बड़ी काम की चीज है और इसके छिड़काव से कीटों और बीमारियों से फसलों को बचाया जा सकता है। जो टैंक मेथड है वो भी एक मेथड है जिसको आप अपना सकते हैं। ज्यादातर जो हमने अपने पूरे देश में देखा है, जो टैंक मेथड अपनाया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, जहां आपको काफ़ी टनों के हिसाब से 100,000 टन के हिसाब से बनाना है, तो आप टैंक मेथड अपना सकते हैं। टैंक मेथड में फ़ायदा ये होता है कि आप वर्मी वॉश के लिए भी स्कोप रख सकते हैं। जो भी जब आप पानी डालते हैं तो जो निचोड़ के जो भी पानी की तरह जो आएगा उसको हम वर्मी वॉश कहते हैं। तो वर्मी वॉश का आप अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन का काम भी करता है और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ को रिपेल करने का भी काम करता है। तो ये टैंक मेथड में अच्छा से आप अपना दिमाग लगा के इंजीनियरिंग सी करके उसको आप एक फ्लो दे सकते हो और वर्मी वॉश के लिए कलेक्शन टैंक छोटा सा बना पाओगे। वर्मी कंपोस्ट बनाने में कुछ समस्याएं भी है। केंचुए नाजुक भी है और कई परिंदों का भोजन भी। एक तो केंचुओं को तापमान से बचाना है और दूसरे दुश्मनों से। कौवा इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस समस्या से बचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बेड को टाट से ढक देना है। इसके 3 फायदे होंगे। एक तो अंधेरा हो जाएगा, दूसरे नमी बनी रहेगी और तीसरे केंचुए कौओं से बचे रहेंगे। कौआ इनका अकेला दुश्मन है ऐसा भी नहीं है। नेवले और चींटियां भी इनकी ताक में लगे रहते हैं। आपको उनसे बचाने के उपाय भी करने होंगे। नमी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर कुछ दिन तक नमी लगातार कम रही तो केंचुए सही से काम नहीं कर पाएंगे। केचुआ खाद इस्तेमाल करने से मिट्टी की नमी, उसकी गुणवत्ता, पीएच बैलेंस और साथ ही साथ तापमान नियंत्रित रहता है। केचुआ खाद इस्तेमाल करने से फसलों की गुणवत्ता, उनका स्वाद, उनकी रंगत बेहतर होती है। इससे हमारे किसानों को उनके भाव भी बेहतर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि उचित तरीका क्या है जिससे केचुआ खाद इस्तेमाल की जाए। आइए जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट में खरपतवारों के बीज नहीं होते, इसलिए खेतों में इनका उपयोग करने से खरपतवार की समस्या बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहती। इसमें इंसानों और पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु भी नहीं पाए जाते। अलग अलग फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट अलग अलग मात्रा में डाला जाता है। जैसे अनाज और दलहनी फसलों के लिए 2 टन प्रति एकड़, तिलहन के लिए 3 से 5 टन, मसालों के लिए 4 टन, शाकी फसलों के लिए 4 से 6 टन और बागों के लिए 2 से 3 किलो प्रति पेड़। केचुआ खाद को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इसे बुआई के समय खेतों में बुरक दिया जाता है। गन्ने की फसल में बुआई के समय इसे नाली में डालते हैं, जबकि खड़ी फसलों में सिंचाई से पहले पौधों की जड़ों के पास बुरकाव किया जाता है। फलदार पेड़ों में मुख्य तने से 3 से 4 फीट की दूरी पर तने के चारों ओर गोलाकार नाली बनाकर केचुआ खाद डाले और फिर इसे मिट्टी से ढक दे। अनुभवों से ये भी पता चला है कि अगर 40 किलो वर्मी कंपोस्ट के साथ 1 किलो अजोटोबैक्टर और PSB दिया जाए तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है।
लेकिन अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कैसे होगी जब आप हरे पत्ते खिलाएंगे? जिस तरह का हरा पत्ता खिलाएंगे तो उसी तरह का जो है न्यूट्रिएंट जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी आपकी वर्मी कंपोस्ट के अंदर, और आपकी वर्मी कंपोस्ट क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट बन पाएगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान यही रखना है कि जो कड़वे पत्ते होते हैं या जैसे आपने देखा होगा यूकेलिप्टस ट्री है उनके पत्ते हों या पाइन ट्रीज के जो चीज नीडल्स हैं, ये चीज़ें आप अपने केंचुओं के ऊपर ना डालें, ना खिलाएं। ज़्यादा नीम का आप नहीं डाल सकते, 5-10% नीम आप डाल सकते हो, वो एक अच्छा इंसेक्ट पेस्ट रेपेलेंट की तरह काम करेगा, परंतु ज़्यादा नीम डालना अच्छा नहीं है केंचुओं की सेहत के लिए, वो मर सकते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्मी कंपोस्ट में पौधों के लिए जरूरी लगभग सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं और पौधे इन तत्वों को आसानी से ग्रहण भी कर लेते हैं। यही वजह है वर्मी कंपोस्ट से पौधों का बेहतर विकास होता है। बेहतर विकास का मतलब बेहतर पैदावार है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट जलग्राही होती है जो वातावरण से नमी और सिंचाई के रूप में पौधों को दिए गए पानी को सोख कर मिट्टी में पानी को नष्ट होने को रोकती है। इसीलिए जिन खेतों में वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है उनमें कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। केंचुआ खाद एक्टिनोमाइसिटीज नाम का एंटीबायोटिक पदार्थ बनाती है जिससे पौधों में कीटों और बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। साथ ही इसमें मौजूद तरह तरह के एंजाइम खाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट चूंकि कणों के रूप में होती है इसलिए नमी का जल्दी से हास नहीं होता। केचुआ खाद सिर्फ खाद ही नहीं बल्कि एक कारोबार भी है। अब आपकी हम मुलाकात करवाते हैं राजस्थान के मंडोर के कान्हा राम से, जिन्होंने इसे कारोबार के रूप में अपनाया। जी हाँ, थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर वो खुद वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और अन्य किसानों को बेच रहे हैं। खास बात यह है कि जहां गोबर की खाद बनने में काफी समय लगता है, वही वर्मी कंपोस्ट सिर्फ 3 महीने में तैयार हो जाती है और इसे बेचकर हमारे किसान अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। ये कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर का फार्म है। मंडोर राजस्थान के जोधपुर जिले में पड़ता है। कान्हा राम यहाँ से वर्मी कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, बल्कि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और वो अब केंचुआ खाद बनाने की स्थिति में पहुँच गए हैं। आज ये वर्मी बेड या क्यारी में घास की 10 सेंटीमीटर परत बिछा रहे हैं। इसके बाद इतनी ही मोटी गोबर की परत बिछाएंगे। इन्होंने 20 दिन पुराना गोबर लिया है क्योंकि ये जानते हैं कि गोबर की गर्मी को पूरी तरह खत्म होने में इतना ही समय लगता है। इन्होंने कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए की आइसीनिया फोर्टिडा नस्ल को चुना है क्योंकि उनकी नज़र में यही नस्ल सबसे बेहतर खाद बनाती है। इस नस्ल की खुराक अच्छी है और एक ही दिन में ये अपने वजन का 5-6 गुना खाना चट कर जाती है। ज्यादा खुराक की वजह से ही घास और गोबर को कंपोस्ट में बदलने की इसके पास अच्छी क्षमता है। कान्हा राम के बेड की लंबाई 10 फुट, चौड़ाई 3 फुट और ऊंचाई 2.5 फुट है। पहले घास, फिर गोबर, फिर घास और फिर गोबर। कान्हा ने अपने बेड में कई परतें बिछा दी है। इस आकार के बेड के लिए कान्हा को 8-10 किलो केंचुए की जरूरत होगी। इस बेड के बगल में ही दूसरा बेड है जिसमें कान्हा राम ने कुछ दिन पहले केंचुए छोड़े थे। अब इसमें खाद बनने लगी है। आपको बता दें कि पूरे बेड में एक साथ खाद नहीं बनती। केंचुए चूंकि ऊपरी परत में डाले गए हैं तो सबसे पहले ऊपर की 2-3 इंच की परत ही खाद में तब्दील होगी। ये कान्हा राम जी हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। आप वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं आपको पता है? हाँ सर, ये जो गोबर रहते हैं गाय भैंस के, वो गोबर लो और पानी ये बनाओ खड्डा या स्विमिंग पूल के जैसे एक प्लास्टिक आता है वो लो, उसके अंदर गोबर डाल देते हम लोग। फिर डालने के बाद में फिर और कोई फार्म का सड़ा हुआ कचरा है वो भी डाल देते, दोनों मिक्स करके फिर उसके अंदर पानी भर देते और उसके अंदर केंचुआ छोड़ देते, तो 40-45 दिन में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाते सर। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे यूज होता है फसलों में? सर देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक खाद ऐसी है जो गोबर से थोड़ी फूसी रहती है, तो आप पेड़ पौधे में डाल सकते हो। जैसे सब्जियों के अंदर पेड़ पौधे रहते हैं उनके अंदर भी डाल सकते हो, उनकी ताकत थोड़ी ज्यादा मिलती है क्योंकि वो केंचुआ खा के वापस करते खाद ना, तो ये बना देते है। इस बेड की ऊपरी परत तैयार हो गई है और कान्हा पंजेनुमा औजार से इस परत को कुरेद रहे हैं। ऐसा करने से ये भुरभुरी हो जाएगी और उसमें मौजूद केंचुए नीचे की ओर चले जाएंगे। वैसे जब ऊपरी परत खाद बन चुकी होती है तो केंचुए नए भोजन की तलाश में अपने आप ही गहराई की ओर चले जाते हैं। पंजा चलाने से बचे कुचे केंचुए भी नीचे पहुंच जाएंगे। भुरभुरी करने के बाद ऊपरी परत को बेड में ही एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसे सुखाने के लिए बाहर ढेरी बना लेंगे।
बेड से केचुआ खाद को अलग करने का यही तरीका है। बाहर निकालने के बाद खाद की बड़ी ढेरी बनेगी और नमी कम होने पर उसे छान लिया जाएगा। छना हुआ कंपोस्ट चाय की पत्ती के समान होता है और कमाल की बात तो ये है कि इसमें बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं आती। अब इसे कट्टों में पैक कर लिया जाएगा। हर कट्टे में 25-25 किलो खाद है, ऐसी खाद जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाएगी और हरी भरी फसल देगी। लेकिन कान्हा को इसे एक साल के भीतर भीतर इस्तेमाल करना होगा और या फिर बेच देना होगा। बेचने पर कान्हा को 10 रुपए किलो के दाम मिल जाएंगे। साल भर बाद ये किसी काम की नहीं रहेगी। वजह ये है कि केचुआ खाद की एक्सपायरी एक साल ही होती है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा हमारे ये कान्हा राम जी हैं जो यहाँ पिछले 6 साल से यहाँ हर यूनिट में हमारे काम कर रहे हैं। लगभग हर यूनिट में ये एक्सपर्ट है। हम इनको हमारी खेती के साथ साथ इनको भी यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, हर यूनिट का प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, मशरूम है, नर्सरी है, हर यूनिट में इनको ट्रेंड कर रहे हैं ताकि इनके और भी जैसे साथी हम उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं ताकि ये सजा पूरी होने के बाद में अपने खुद के घर जाके समाज में जाके वहाँ खुद को नए सिरे से स्थापित कर सकें, खुद का रोजगार लगा सकें और खुद को समाज में पुनर्स्थापित कर सकें। इसलिए हम एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी मतलब यूनिट हैं हम उनका प्रशिक्षण इनको प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि कान्हा राम एक कैदी है। अच्छे व्यवहार के कारण सुधार कार्यक्रम के तहत इन्हें ओपन जेल में रखा गया है। और जब जेल से यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा था अब मेरी सजा आधी खत्म हो चुकी है। और 6 सालों में मैंने इतने सारे काम सीखा हूँ यहाँ फार्म के मैं कुछ भी कर सकता हूँ खेती बारे में। क्या ये खेती और उससे जुड़े कारोबार के नए नए तरीके सीख रहे हैं? वो अब निश्चिंत है क्योंकि उनके पास एक हुनर है। तो कान्हा राम जी, जैसे आप साल भर बाद में यहाँ से आपकी सजा पूरी हो जाएगी तो आप बाहर जाओगे, तो बाहर जाके आप क्या खुद का काम कैसे स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए कि मैं शुरुआत में नर्सरी का काम सीखा वो है, फिर दूसरा बात है कि मेरे वर्मी कंपोस्ट बना सकता हूँ या मशरूम का काम कर सकता हूँ। तीन चीज तो मेरे पूरे दिमाग में है कि तीनों में से कोई न कोई एक काम करना ही है। जेल से बाहर जाने के बाद अब वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। क्या इनको ओपन जेल में इसलिए भेजा जाता है कि सरकार ये चाहती है कि इनको उम्र कैद की सजा होती है, उसके बाद में 5-6 साल बाद में इनको ओपन जेल में भेज के समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है जिससे कि ये खुद का रहन सहन और सामाजिक धारा में जुड़ सके, समाज से जुड़ सके। तो यहाँ हमारे 35 सीट है जिसमें ये परिवार सहित रहते हैं और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। यहाँ 8 घंटे काम करते हैं। जो भी इनको न्यूनतम मजदूरी है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वो हमको इनको देते हैं और उसके आधार पे ये खुद का जीवन यापन करते हैं। ये यहाँ परिवार सहित हम यहाँ इनको आवास, पानी और बिजली बिल्कुल मुफ्त प्रदान करते हैं और ये यहाँ पे अलग अलग जैसे खेती के जो भी काम हैं उसमें ट्रेंड हो जाते हैं। जैसे नर्सरी में है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट में काम करना, जैसे वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की आजीविका के साधन है तो वो बाहर जाके वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकता है। जैसे नर्सरी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तैयार करना वो भी हम इसको सिखाते हैं जिससे बाहर जाके वो नर्सरी खुद की नर्सरी एक खुद का स्थायी रोजगार चालू कर सके। तो हम इस तरह इनको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल करके और इनको ट्रेंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष जिसमें हमने आपको वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के बारे में जानकारी दी। आपने जाना कि कैसे इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है, फसलें बेहतर हो सकती हैं और साथ ही साथ हमारे किसान फसलों की लागत को भी कम कर सकते हैं और इसे एक कारोबार के रूप में भी अपनाया जा सकता है। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 69A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। अगले अंक में नए विषय के साथ फिर होगी कृषि विशेष में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
मन की बात है जन जन की।